हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर स्कोपी। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी की यूनिट 3, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। उसके अंदर हमें पढ़ना है ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट्स, ऑथेंटिकेशन फंक्शंस। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, हैश फंक्शन, बर्थडे अटैक्स, सिक्योरिटी ऑफ हैश फंक्शन, सिक्योर हैश एल्गोरिथम। दूसरा मेन टॉपिक है हमारा डिजिटल सिग्नेचर। तो उसमें हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नेचर की डेफिनेशन, इलगमल डिजिटल टेक्निक्स, डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड एंड प्रूफ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। अ मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड इज अ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यूज टू इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ अ मैसेज। तो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं इंश्योर करने के लिए इंटीग्रिटी को और ऑथेंटिसिटी को मैसेज के लिए। अब इंटीग्रिटी क्या होती है कि सेंडर जो मैसेज भेजेगा रिसीवर को, उसमें मैसेज में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए अनऑथराइज तरीके से। और ऑथेंटिसिटी क्या होता है कि जो हमारा यूज़र है वो रियल यूज़र होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। इट इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज टू ऑथेंटिकेट अ मैसेज। ये शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं मैसेज को ऑथेंटिकेट करने के लिए। पर्पस होता है कि हमें मैसेज को वेरीफाई करना होता है कि मैसेज में कोई टेम्परिंग ना हो, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, मतलब हम इसमें सेंडर्स की आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं। ये एल्गोरिथम कौन सी यूज़ करता है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की एल्गोरिथम यूज़ करता है जिसमें हमारी जो की जो शेयर की जाती है वो सेम होती है। कैलकुलेशन कैसे होता है, मैसेज और सीक्रेट की का यूज़ करके कंप्यूट करते हैं। अब सिमेट्रिक की क्या होती है कि सेंडर और रिसीवर के पास सेम की होती है। कॉमन एल्गोरिथम क्या है इसकी, HMAC हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड और CVC MAC साइफर बेस्ड क्रिप्टोग्राफी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। एप्लीकेशन को क्या क्या है इसकी, ये हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी में यूज़ होता है, डिजिटल सिग्नेचर्स में यूज़ होता है और डेटा इंटीग्रिटी चेक में यूज़ होता है। आगे इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार, ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है। सेंडर अब मैसेज भेजना चाहता है रिसीवर को, तो मैक क्या करता है, मैक एक अपनी एल्गोरिथम लगाता है, मैक एल्गोरिथम, जिसमें वो एक फिक्स साइज का ऑथेंटिकेटर लगाता है और उसमें हम एक की देते हैं, की हमारी दोनों की सेम होती है, सेंडर की भी रिसीवर की भी। अब ये जो की होती है वो मैक के साथ अटैच होके मैसेज में चली जाती है। अब इस मैक में हमारा मैसेज भी होता है और की भी होती है। अब मैसेज तो हमारा डायरेक्ट रिसीवर के पास चला जाता है और जो मैक होता है उसको हम वेरीफाई करते हैं रिसीवर एंड पे। रिसीवर के पास भी मैक एल्गोरिथम होती है और उसका भी एक मैक होता है, ठीक है। अब उस मैक में वो क्या डालता है, जो मैसेज सेंडर ने भेजा है उसको डालेगा और जो ये मैक था जिसमें हमारा मैसेज और की था उसको हम इस वाले मैक में जिसमें मैसेज और की है वो चेक करेंगे। अगर दोनों सेम आते हैं तो मैसेज हमारा ऑथेंटिक है, नहीं तो मैसेज के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। तो मैक का नोटेशन क्या होता है, मैक इज इक्वल टू CK, M। एम क्या हमारा वेरिएबल लेंथ का मैसेज है, के हमारी सीक्रेट की है जो सेंडर रिसीवर दोनों को दी जाती है और CK, M हमारा एक फिक्स लेंथ का ऑथेंटिकेटर है, ठीक है। अब मान लो 2 MB का कोई मैसेज है, उसमें हमने अपनी की लगाई सेंडर रिसीवर की दोनों, उसको हमने रिड्यूस करके मतलब कंप्रेस करके छोटा कर दिया और उसको एक फिक्स लेंथ का बना के मैक में डाल दिया। अब वो मैक हमारा रिसीवर के पास जाएगा, वहां पे वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम अटैक एड्रेस बाय मैसेज ऑथेंटिकेशन। कौन कौन से अटैक्स हैं जो एड्रेस किए जाते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन के द्वारा। तो पहला अटैक होता है मैस्क्यूरेट अटैक। मैस्क्यूरेट अटैक में क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम मेक श्योर करता है कि जो राइट पीपल है वही सिर्फ मैसेज भेज पाएगा। जो ये स्टॉप करता है जो फेकर्स लोग हैं कि वो किसी को प्रिटेंड ना करें कि वो बन पाए, वो रियल यूज़र बन के किसी को मैसेज ना कर पाए। दूसरा है डेटा मॉडिफिकेशन या टेम्परिंग।
अटैकर चेंज क्या करते हैं, जो मैसेज का कंटेंट है उसको चेंज करना चाहते हैं जब हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं। तो मैसेज ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंश्योर करता है कि कोई भी अनऑथराइज चेंजेस अगर आते हैं मैसेज में वो डिटेक्ट कर सके। तीसरा है टाइमिंग चेंज अटैक। तो ऑथेंटिकेशन सिस्टम मेक श्योर करता है जो टाइमिंग है मैसेज की मैसअप ना हो, मतलब ओवरलैप ना करे एक दूसरे के साथ। तो ये प्रिवेंट करता है किसी को भी कि वो मैसेज के साथ खेले जब हम मैसेज को भेज रहे हों या रिसीव कर रहे हों। चौथा है रिप्ले अटैक। रिप्ले अटैक में क्या होता है, अटैकर इंटरसेप्ट करता है और रिट्रांसमिट कर देता है वैलिड मैसेज को। तो मैसेज ऑथेंटिकेशन हेल्प करता है कि डुप्लीकेशन ऑफ मैसेज को प्रिवेंट करे, या फिर जो हमने पहले मैसेज भेज चुके हैं उसकी फ्रेशनेस को बनाए रखता है। इसमें क्या होता है, मैसेज को डिटेक्ट कर लेता है कि ये पहले तो रिसीव नहीं हुआ, अगर पहले रिसीव होता है तो वो स्टॉप कर देता। तो चलिए अब देख लेते हैं वर्किंग ऑफ मैक, मैक की वर्किंग कैसे है। तो हमने रिज्यूम किए कि हमारे पास एक सेंडर है जो मैसेज भेजना चाहता है मैसेज एम को रिसीवर बी के पास। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंडर ए जो है वो मैसेज एम भेजना चाहता है रिसीवर बी को। सेंडर ए के पास अपना मैक होगा, सेंडर बी के पास अपना एक मैक होगा। ये अपना मैक के H1 में अपने मैसेज को डाल देगा, और जो शेयर्ड की है दोनों के पास सेम है के वो इसमें डल जाएगी H1 में। ठीक है, अब ये मैसेज हमारा सेंड हो जाएगा, तो मैसेज जो होगा वो डायरेक्टली रिसीवर के पास चला जाएगा। और रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर के एंड पे क्या काम होगा, रिसीवर के मैक में, रिसीवर का जो मैक है उसके पास H2 है, तो वो अपने H2 में जो सेंडर ने मैसेज भेजा उसको डालेगा और अपनी शेयर्ड की को डालेगा। अब क्या लास्ट में क्या होगा, जो H2 है इसमें हमारा मैसेज आ गया, शेयर्ड की आ गई, और H1 में सेंडर की मैसेज और की आ गई। अब दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि मैसेज हमारा ऑथेंटिक है, नहीं तो डेटा में टेम्परिंग हुई है कुछ। इसकी थ्योरी है कि ए और बी हमारे सिमेट्रिक की के को शेयर कर रहे होंगे जो किसी और को नहीं पता होगी। अब सेंडर ये अपना मैक ऑफ H1 कैलकुलेट कर लेगा कि के की अप्लाई करके मैसेज एम पे। अब ये ए जो होगा ओरिजिनल मैसेज एम भेज देगा बी को, और मैक H1 भेज देगा बी को। अब बी क्या होगा, बी मैसेज को रिसीव करेगा, बी के पास भी के होगी जो जिससे कि वो अपना मैक ऑफ H2 निकाल लेगा एम के लिए। अब बी होगा लास्ट में H1 H2 को कंपेयर कर लेगा, अगर दोनों मैच करते हैं तो बी कंक्लूड कर देगा कि जो मैसेज एम है वो हमारा चेंज नहीं हुआ है ट्रांसमिट के टाइम पे। अगर मैसेज मैच नहीं करता, मतलब H1 H2 से मैच नहीं करेगा, तो बी रिजेक्ट कर देगा मैसेज को और रियलाइज करेगा कि जो मैसेज है वो चेंज हुआ है ट्रांसमिशन के टाइम पे। तो चलिए देख लेते हैं HMAC हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड ये क्या होता है। तो HMAC हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड इज अ मैंडेटरी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन इन इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी एंड वाइडली यूज इन द सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। ये एक हमारा एक सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी में इम्प्लीमेंट किया जाता है और वाइडली हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल में यूज होता है। फंडामेंटल आइडिया इसको कहाँ से आया कि ये एग्जिस्टिंग मैसेज को यूज करता है जो डाइजेस्ट एल्गोरिथम में यूज होती है, जैसे कि MD5 और SHA-1। इसमें ब्लैक बॉक्स ट्रीटमेंट भी होता है, तो ये मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम जो है उनको ट्रीट करता है ब्लैक बॉक्स की तरह। इनक्रिप्शन प्रोसेस क्या है कि एक शेयर्ड सिमेट्रिक की का यूज़ करता है मैसेज डाइजेस्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए, और रिजल्ट में आउटपुट को प्रिंट कर देता है मैक पे। कंक्लूजन क्या कहता है कि HMAC हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी को इनहेंस करता है शेयर्ड सिमेट्रिक की का यूज़ करके, और मैसेज की डाइजेस्ट एल्गोरिथम को स्टेब्लिश करता है, इससे कि हमारा कम्युनिकेशन की इंटीग्रिटी बनी रहे, ऑथेंटिसिटी बनी रहे। तो HMAC हमारा यूज होता है मैसेज की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए। आगे देख लेते हैं साइफर बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड CMAC। तो CMAC क्या करता है, हमारा एक ब्लॉक साइफर का यूज़ करता है और एक सीक्रेट की होती है ऑथेंटिकेशन के लिए। पर्पस क्या होता है कि हमें मैसेज की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी चेक करनी होती है या वेरीफाई करनी होती है। प्रोसेसिंग कैसे होती है कि जो एन ब्लॉक्स का जो मैसेज है उसको डिवाइड कर लेता है एन ब्लॉक्स में, और CMAC का साइज हमारा एन बिट्स का होता है। पैडिंग क्या होती है कि लास्ट ब्लॉक हमारा पैड इन हो जाता है अगर एम बिट्स अगर सारी नहीं आ पा रही तो।
इनक्रिप्शन प्रोसेस क्या रहा है कि पहले ब्लॉक में तो हम की के साथ इनक्रिप्ट करके डाल देंगे, दूसरे में हमारा एग्जोर हो जाता है, और दोबारा से हम उसको री इनक्रिप्ट करके एक नया एमबिट का ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है कि सीएमएसई भी हमारा सिक्योर मैसेज ऑथेंटिकेशन को इंश्योर करता है ब्लॉक साइफर इनक्रिप्शन का यूज़ करके और एक्सोर का यूज़ करके जो हम सीक्रेट की पे लगाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैक। मैक की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला है रेसिस्टेंस टू कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन में एक रेसिस्टेंस है कि अगर ओपोनेंट एम ऑब्जर्व कर रहा है कि एम मैसेज हम भेज रहे हैं और उसकी जो फिक्स लेंथ का ऑथेंटिकेटर है सी के कोमा एम, ये कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल है ओपोनेंट के लिए कि वो मैसेज एम डैश भेजे जो इनके इक्वल हो, सी के कोमा एम डैश इक्वल टू सी के कोमा एम के इक्वल हो। जरूरी नहीं कि जो इसका फिक्स लेंथ का ऑथेंटिकेटर है वो इसके इक्वल हो। दूसरा है कंसिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो सी के कोमा एम हमारा कंसिस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसी भी रेंडमली सेलेक्टेड मैसेज के लिए। मान लिया हमने कि एम लिया है और एम डैश लिया है, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसकी सी के कोमा एम की वो सी के कोमा एम डैश के इक्वल होगी, और जो कि टू की टू एन आएगी। एन क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं मैक में। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन रेसिस्टेंस। तो हमने यहाँ क्या कि लेट एम डैश को हमने सेम माना है कुछ नॉन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एम पे लिए, जो कि हमारा एम डैश के आगे हमने एक फंक्शन मान लिया एफ ऑफ एन। तो हम एफ को हम इंक्लूड कर सकते हैं इन्वर्ट करके एक या एक से ज़्यादा बिट्स को। तो इस केस में हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालें सी के कोमा एम, अगर सी के कोमा एम डैश के अगर इक्वल आता है इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो 2 की पावर -n आती है। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ MD5 एल्गोरिथम। MD5 एल्गोरिथम हमारा हैश फंक्शन में यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो मैसेज के ब्लॉक्स होते हैं, मैसेज डाइजेस्ट क्या करता है, मैसेज को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है। तो हमारा मैसेज ब्लॉक 1 है, मैसेज ब्लॉक 2, ऐसे हमारा मैसेज ब्लॉक एन तक होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। तो पहला क्या होगा, कंप्रेशन फंक्शन ट्रांसफॉर्म कर देगा 2 फिक्स लेंथ इनपुट्स को आउटपुट के सेम साइज में। मतलब कि जो मैसेज होगा हम उसको पहले कंप्रेस कर देंगे एक फिक्स लेंथ पे, और जो आउटपुट होगा वो भी उसके सेम साइज का आएगा, ठीक है। ये स्टार्ट होता है एक फिक्स्ड इनिशियलाइजेशन वेक्टर 4 से, ये रोमन नंबर 4 है। फिर हर मैसेज ब्लॉक के लिए हम जो करंट रिजल्ट आ रहा है उसको कंबाइन कर देंगे ब्लॉक में और एक इंटरमीडिएट रिजल्ट निकाल लेंगे। मतलब इस मैसेज ब्लॉक का कुछ रिजल्ट आएगा, इस मैसेज का कुछ अलग आएगा, दोनों को जोड़ के एक में स्टोर कर देंगे एक ब्लॉक में। जो लास्ट ब्लॉक होगी उसको 0 पे एडिट कर देंगे। लास्ट ब्लॉक में हम 0 स्टोर कर देंगे या फिर नल स्टोर हो जाएगा। और जो बिट मैसेज को रिप्रेजेंट करेगी उसकी लेंथ को हम बढ़ा देंगे, मतलब लास्ट वाली बिट में तो आ गया, बाकी जितनी बिट बचेंगी उसमें मैसेज आएगा और जितनी बचेगी वो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और ये पूरा रिजल्ट हमारा फाइनलाइजेशन फंक्शन के पास जा रहा होगा। फाइनलाइजेशन फंक्शन क्या करेगा, उसको कंप्रेस करके हैश फंक्शन के पास भेज देगा, जो हैश फंक्शन रिजल्ट को दिखा देगा आउटपुट में। तो जो हमारा इनपुट में कंप्रेस हुआ था हमारा आउटपुट में कंप्रेस होकर दोनों सेम आ जाएंगे, यही एल्गोरिथम कहती है। अब हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स क्या हैं MD5 एल्गोरिथम के। तो पहला कंपोनेंट है बफर। बफर में 32 बिट्स के 4 वर्ड्स होते हैं ए बी सी और डी। दूसरा आता है टेबल। टेबल होती है जिसमें 64 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 64 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं। तीसरा होता है कि ऑक्सिलरी फंक्शन होता है, तो कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे एंड और नॉट एक्सोर इनपुट बिट पे अप्लाई कर देते हैं। ये 4 ऑक्सिलरी फंक्शन यूज होते हैं। चौथा है ब्लॉक प्रोसेसिंग। तो 4 बफर होते हैं ए बी सी डी, इनको इनपुट्स वर्ड में हम मिक्स कर देंगे एफ जी एच आई मान लिया हमने 4 राउंड के साथ। हर में 16 बेसिक ऑपरेशंस होंगे, मतलब 4 राउंड होंगे, एक राउंड के 16 ऑपरेशन होंगे, तो 64 हो जाएगा।
16 इंटू 4 64 हो जाएगा, जो टेबल में स्टोर होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं एल्गोरिथमिक स्टेप क्या है MD5 एल्गोरिथम के। तो पहले स्टेप में हम पैडिंग करते हैं। पैडिंग में क्या होता है, जो ओरिजिनल मैसेज है उसमें हम कुछ पैडिंग बिट्स को ऐड कर देंगे, और जो पैडिंग बिट्स होंगे वो कैसे ऐड होंगे, वो 512 के मल्टीपल्स में होंगे, उसमें से 64 माइनस कर देंगे। मतलब कि हमारा अगर ओरिजिनल मैसेज 1000 बिट्स का है तो उसमें पैडिंग कितनी ऐड होगी। तो पहले हम 512 का मल्टीपल निकालेंगे, तो 512 की अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1536 आएगा। अब 1536 में से 1000 बिट की तो हमारा ओरिजिनल मैसेज होगा, ठीक है। बाकी की जो 536 बची है उसमें से 64 माइनस करके जो बचेगा वो हमारा पैडिंग में आ जाएगा, और वो ऐड होके दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगी। दूसरा स्टेप क्या है, अपेंड लेंथ। तो लेंथ को हम उसमें अपेंड कर देंगे कि ओरिजिनल मैसेज की लेंथ निकालेंगे और अपेंड कर देंगे एंड ऑफ द मैसेज में। ओरिजिनल मैसेज है उसमें पैडिंग है और उसकी लेंथ ऐड कर दी कि हम ओरिजिनल मैसेज की लेंथ कितनी, जैसे हमने 1000 बिट ली है तो 1000 बिट को इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। और उसको मैसेज डाइजेस्ट में स्टोर कर देंगे, जहाँ पे वो क्या करेगा, ब्लॉक्स में स्टोर कर लेगा डेटा को। तीसरा स्टेप है, जो इनपुट है उसको हम 512 बिट्स ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। अब जो हमारा ओरिजिनल मैसेज था उसमें हमने पैडिंग ऐड करी थी, पैडिंग में फिर हमने ओरिजिनल मैसेज की लेंथ ऐड करी थी, टोटल जितना आएगा वो हमारे 512 बिट्स के ब्लॉक के मल्टीपल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 1024 आता है तो हम दो ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे, एक में 512 दूसरे में 512, ठीक है। थर्ड स्टेप में ये होता है। चौथा स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन का। तो हम यहाँ पे चार वेरिएबल लेते हैं 32-32 बिट के, हमने नाम दे रखा है ए बी सी एंड डी। पांचवें स्टेप में होता है हम प्रोसेस करते हैं ब्लॉक्स को। अब हर ब्लॉक जो ए बी सी डी ली है इनको प्रोसेस करेंगे, तो क्या करेंगे, जो ये वेरिएबल है हमारे ए बी सी डी इनको कॉपी कर देंगे स्मॉल में ए बी सी डी में, ठीक है। अब जो 512 बिट्स ब्लॉक हैं, मतलब एक ब्लॉक में 512 बिट स्टोर हो रही है, उसको हमें डिवाइड करना है 16 सब ब्लॉक्स में हम डिवाइड करेंगे। अब 16 सब ब्लॉक्स जो आए हैं इनमें हम चार राउंड एग्जीक्यूट करेंगे। ये चार राउंड हमारे सभी जितने भी 16 सब ब्लॉक्स आए हैं उनमें प्रोसेस होगा ए बी सी डी वेरिएबल्स की मदद से, और कॉन्स्टेंट हमारा टी से डेजिग्नेट हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं हम बेसिक यूज ऑफ मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। तो पहला है मैसेज ऑथेंटिकेशन। तो इसमें हम सिर्फ मैसेज को ऑथेंटिकेट बनाते हैं, तो ये सिर्फ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं प्रोवाइड करता। मैसेज जो हमारा ट्रांसमिट होगा वो क्लियर होगा, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का हम अचीव कर सकते हैं इनक्रिप्शन प्रोसेस का यूज़ करके, कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो सकती है। तो ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। सोर्स मैसेज सेंड करना चाहता है डेस्टिनेशन पे, तो सोर्स ने मैसेज भेजा और ये साइफर टेक्स्ट के पास भी आएगा या फिर जो मैक है हमारा उसके पास आएगा। अब सोर्स के पास भी एक की होगी, डेस्टिनेशन के पास भी एक सेम की होगी दोनों के पास, तो ये अपनी कीस में डाल देगा, मैसेज डाल देगा और ये शेयर हो रही होगी यहाँ पे। अब रिसीवर एंड पे क्या हो रहा होगा, रिसीवर के पास भी अपना एक मैक होगा, मैक पे मैसेज जा रहा होगा जो सेंडर ने भेजा, और ये अपनी शेयर्ड की इसमें ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद इसको आगे भेजेगा यहाँ पे कंपेयर करने के लिए। अब इसका जो साइफर टेक्स्ट साइफर नहीं मैक जो आया था उसको हम कंपेयर करा लेंगे इसके मैक के साथ, अगर दोनों मैच करते हैं तो मैसेज हमारा ऑथेंटिक है, नहीं है तो मैसेज में कुछ छेड़छाड़ हुई है। दूसरा देख लेते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑथेंटिकेशन हमारा प्लेन टेक्स्ट पे ही होता है इस वाले में, तो इसमें हम दो सेपरेट की का यूज़ करेंगे जो सेंडर रिसीवर शेयर कर रहे होंगे आपस में। मैक कैसे कैलकुलेट होगा, मैसेज के थ्रू मैक कैलकुलेट कर लेंगे, उसको कंकेटिनेट करेंगे और जो एंटायर ब्लॉक होगा उसको इनक्रिप्ट कर देंगे। तो सेंडर जो है हमारा मैसेज सेंड करना चाहता है रिसीवर को, तो सेंडर ने मैसेज हम भेजा वो सी के पास आएगा, सी क्या हमारा मैक, मैक में हमारी की लग रही होगी K1 जो सेंडर के पास थी, उसमें हमारा मैसेज और K1 आ गया, ये दोनों हमारा शेयर हो रहा होगा।
अब रिसीवर के पास भेजने से पहले हम इसको इनक्रिप्ट कर देंगे। इनक्रिप्ट करने के लिए हम एक और की का यूज़ करेंगे, K2 का, ठीक है। अब इनक्रिप्ट करने के पास हम रिसीवर को भेजेंगे, रिसीवर क्या करेगा, इसको डिक्रिप्ट करेगा, जो उसके पास K2 की होगी, डिक्रिप्ट होगा पब्लिक की से। और ये जो K2 है ये प्राइवेट की है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो मैसेज है कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। इस पार्ट में हमारा मैसेज कॉन्फिडेंशियल है। अब ये मैसेज हमारा आगे जाएगा मैक के पास, जो सेंडर ने भेजा है, ठीक है। और ये जो डायरेक्ट मैसेज आया था रिसीवर के पास, जो सेंडर ने भेजा था, वो इसके मैक में ऐड हो जाएगा। और ये अपनी K1 की पब्लिक की जो थी ये लगाएगा इसमें, दोनों ऐड होके यहाँ पे कंपैरिजन होगा फिर दोबारा से। अब इसका मैक अगर इसके मैक के इक्वल आता है तो मैसेज हमारा ऑथेंटिक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेशन प्लेन टेक्स्ट पे क्यों लगाया, क्योंकि हमने उसको डिक्रिप्ट कर लिया। हमारा जो साइफर टेक्स्ट था वो प्लेन टेक्स्ट में यहाँ डिक्रिप्ट हो गया, डिक्रिप्ट होने के बाद आया है यहाँ पर, फिर हमने उसको कंपेयर किया है तो वो हमारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो ऑथेंटिकेशन हमारा सिर्फ प्लेन टेक्स्ट में हुआ है। और यहाँ से ई से लेके डी के बीच में हमारा कॉन्फिडेंशियल था मैसेज। दूसरा प्रोसेस ये था। तीसरा हम देख लेते हैं, मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑथेंटिकेशन हमारा साइफर टेक्स्ट पे लग रहा होगा, तो यहाँ पे हम मैसेज को पहले ही इनक्रिप्ट कर देंगे, देन उसका हम मैक कैलकुलेट करेंगे साइफर टेक्स्ट के साथ, फिर बाद में मैक को कंकैटिनेट करके ट्रांसमिशन के लिए भेज देंगे। तो अब सेंडर एम है, वो पहले क्या करेगा, इसको इनक्रिप्ट कर देगा यहीं पे K2 की, K2 प्राइवेट की का यूज करके। अब जो इनक्रिप्ट हुआ है वो डायरेक्टली यहाँ पे पैरेलली सेंड हो रहा होगा, और यहाँ पे हम उसका साइफर टेक्स्ट भी निकाल ले होंगे जिस पे हमने K1 प्राइवेट की लगा रखी है। अब ये दोनों हमारे सेंड हो जाएंगे रिसीवर एंड पे। रिसीवर क्या करेगा, जो डायरेक्ट इनक्रिप्ट होकर आया है उस पे हैश फंक्शन लगा के, हैश फंक्शन लगाएगा और मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेगा K2 की मदद से, ठीक है। और जो हमारा ये आया था साइबर टेक्स्ट या फिर जो मैक आया था, इस मैक को हम यहाँ भेजेंगे, वो उस पर की लगा के, ठीक है, की लगा के इस वाले साइबर टेक्स्ट से कंपेयर करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो मैसेज इनक्रिप्ट होके आया है, उसको डायरेक्टली कंपेयर करेगा इनक्रिप्टेड मैसेज को, जो यहाँ पे इनक्रिप्ट होके इसने भेजा और जो इसने भेजा, दोनों आपस में कंपेरिजन होगा। अगर सेम होता है तो भैया ऑथेंटिक है, तो ऑथेंटिकेशन हमारा साइफर टेक्स पे लग रहा है। यहाँ पे हमने साइफर टेक्स को प्लेन टेक्स में कन्वर्ट नहीं किया है, डायरेक्ट साइफर टेक्स को ही हम कंपेयर करा रहे हैं यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या है मॉड्यूलर अरिथमेटिक ऑपरेशन की। पहली प्रॉपर्टी वही कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि डब्ल्यू प्लस एक्स का मोड एन कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस डब्ल्यू मोड एन के इक्वल होगा, और डब्ल्यू इंटू एक्स का मोड एन करेंगे तो वो एक्स इंटू डब्ल्यू मोड एन के इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, तो ब्रैकेट में डब्ल्यू प्लस एक्स लेंगे प्लस वाई करेंगे, उसका मोड एन करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू प्लस ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई मोड एन के इक्वल होगा। दूसरा है डब्ल्यू इंटू एक्स ब्रैकेट में लें और उसकी मल्टीप्लाई वाई से करें, उसका मोड एन निकालें, वो किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू वाई को ब्रैकेट में लेंगे मोड एन करेंगे। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्या कहता है, डब्ल्यू की मल्टीप्लाई अगर एक्स प्लस वाई मोड एन से हो रही है तो डब्ल्यू इंटू एक्स हो जाएगा प्लस डब्ल्यू इंटू वाई हो जाएगा और उसका पूरे का मोड एन हो जाएगा। चौथा है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में हमारा जीरो और वन आता है, तो जीरो को हम ऐड करते हैं वन को मल्टीप्लाई, तो जीरो को जब डब्ल्यू के साथ ऐड करेंगे और उसका मोड एन निकालेंगे तो डब्ल्यू मोड एन हो जाएगा, और वन का जब डब्ल्यू के साथ मोड एन करेंगे तो डब्ल्यू मोड एन हो जाएगा। पांचवा है एडिटिव इनवर्स, इसमें नेगेटिव डब्ल्यू लेते हैं तो हर डब्ल्यू के लिए जो जेड एन में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे एक स्मॉल जेड एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कहता है कि डब्ल्यू प्लस जेड किया जाए तो वो जीरो मोड एन के इक्वल आता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी मॉड्यूलर अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है HMAC के। HMAC क्या था, हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो पहला हैश फंक्शन कंपेटिबिलिटी। हैश फंक्शन की कंपेटिबिलिटी क्या है कि इसमें हम एग्जिस्टिंग हैश फंक्शन का यूज़ करते थे बिना मॉडिफाई किए। दूसरा है रिप्लेसिबिलिटी,
तो ये अलाउ करता था कि हम हैश फंक्शन को आसानी से सब्सटीट्यूट कर पाएँ, जिससे कि हम परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर पाएँ। तीसरा है परफॉर्मेंस प्रिजर्वेशन, तो ये ओरिजिनल हैश फंक्शन को मेंटेन करके रखता है, जिससे कि परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो। चौथा है सिंप्लीफाइड की हैंडलिंग, ये कीज़ को हैंडल करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल मैनर में। चलिए आगे देख लेते हैं हम HMSC के एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम के कुछ स्टेप्स हैं। पहला क्या है कि अपेंड 0 टू द लेफ्ट एंड ऑफ द सीक्रेट की के टू क्रिएट के प्लस ए बी बिट स्ट्रिंग। तो एक सीक्रेट की के होती है, जिसके लेफ्ट एंड में हम जीरोस को अपेंड कर देते हैं, जिससे कि वो के प्लस बिट्स क्रिएट करती है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, के प्लस जो बिट थी उसका एग्जोर करेंगे आईपैड के साथ, जिससे कि हम एक बी बिट ब्लॉक का एस प्रोड्यूस कर सकें। तीसरे स्टेप में क्या है कि जो एम मैसेज अब था उसको हम अपेंड करके एस तक ले जाएंगे, एस की जितनी बिट होंगी उतना मैसेज एम अपेंड हो जाएगा। चौथा स्टेप कह रहा है कि हम एम्बेडेड हैश फंक्शन एच को अप्लाई कर देंगे, जो स्ट्रीम हमारे स्टेप 3 में जनरेट हो रही है उस पर हैश फंक्शन अप्लाई कर देंगे। फिफ्थ स्टेप कह रहा है कि जो के प्लस बिट्स थी उसका हम एक्सोर अब ओपैड के साथ करेंगे। ओपैड के साथ करते ही हमारी एक और दूसरी बी बिट ब्लॉक की एस डैश बिट बन के तैयार हो जाएगी। अब जो स्टेप 4 से रिजल्ट आया है उस पर हम हैश अपेंड करेंगे एस डैश में। अब एच को हम स्ट्रीम जो हमारी स्टेप 6 में जनरेट हो रही है उस पर एच लगा देंगे, मतलब हैश फंक्शन लगा देंगे और आउटपुट कर देंगे फाइनल रिजल्ट को। अब कुछ कुछ वैल्यू है वो देख लेते हैं। के हमारी यहाँ पे सीक्रेट की है, के प्लस क्या है, के साथ हमने जीरो को पैड किया मतलब ऐड किया है लेफ्ट में, जिससे कि हम एक बी बिट की लेंथ को अचीव कर पा रहे हैं। आईपैड की 8 बिट का होता है 0011 0110, जो रिपीटेड होता है बी बाई 8 टाइम्स। ओपैड क्या होता है 0101100, जो रिपीट होता है बी बाई 8 टाइम्स। एम क्या है, मैसेज का इनपुट है, और एच हमारा एम्बेडेड हैश फंक्शन है। आगे देख लेते हैं हम सिक्योरिटी क्या है HMSC की। पहला डिपेंडेंसी, तो सिक्योरिटी किस किस पर डिपेंड करती है, हैश फंक्शन की स्ट्रेंथ पे, सीक्रेट की साइज पे और मैसेज डाइजेस्ट की लेंथ पे। अटैक्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो HMSC पे अगर अटैक हुआ है तो उसमें जितनी हमें सक्सेस मिलेगी वो हमारी इक्वल होगी हैश फंक्शन के अटैक के बराबर होगी। इसमें क्या करेंगे हम, जो आउटपुट हम निकालेंगे वो बिना जो हमने आउटपुट फिक्स इनपुट फिक्स किया था उसके बिना निकालेंगे, या फिर हम कोलिजन फाइंड करेंगे कोलिजन कहाँ पे आया है। तीसरा है रैंडम वैल्यू सब्सटीट्यूशन, तो इंट्रूडर क्या होगा, वो एक रैंडम एन बिट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देगा 4 में, जो हमारा इनिशियल था। चौथा है कोलिजन डिटर्मिनेशन, कोलिजन को डिटरमाइन करेंगे, तो हम यहाँ पे दो मैसेज फाइंड करेंगे जिनका सेम हैश आउटपुट आ रहा होगा, क्योंकि अगर सेम आएगा तो अटैक हो सकता है। फिर हम देखेंगे MD5 वल्नरेबिलिटीज क्या क्या है, तो अगर MD5 पे अटैक होता है तो उसमें क्या होंगे, मेरे सिलेक्टेड मैसेज होंगे, जिससे कि क्रिएशन वो कोलिजन क्रिएट हो रहा होगा। फिर देखेंगे हम MD5 की एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, तो वल्नरेबिलिटी के साथ साथ MD5 एक्सेप्टेबल भी होता है HMSC में, क्योंकि इसकी स्पीड होती है और इसमें ऑब्जर्वेशन को हमें रखना पड़ता है 2 की पावर 64 ब्लॉक्स में, अगर हमें 128 बिट का हैश कोड ऑब्जर्व करना है तो। आगे देख लेते हैं हैश फंक्शन क्या होता है। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू ए फिक्स साइज हैश वैल्यू, तो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर देता है फिक्स साइज के हैश वैल्यू में। हैश वैल्यू जो एच होती है वो जनरेट होती है एच ऑफ एम से, यहाँ पे एम क्या है, एक वेरिएबल लेंथ का मैसेज है, तो एच इक्वल्स टू एच ऑफ एम हो जाएगा। हैश वैल्यू इज अपेंडेड टू मैसेज एट द सोर्स एंड द मैसेज इज एज्यूम्ड और नोन टू द करेक्ट। तो जब मैसेज हमारा नोन होगा या फिर एज्यूम्ड होगा कि हाँ वो ठीक है, तो हम हैश वैल्यू मैसेज के साथ जोड़ देंगे। चौथे स्टेप में क्या होगा, रिसीवर ऑथेंटिकेट करेगा वह रिकम्प्यूटिंग द हैश वैल्यू। अब जो सेंडर ने हैश वैल्यू भेजी है, रिसीवर क्या करेगा, अपने एंड से हैश वैल्यू कंप्यूट करेगा और उसको मैच करेगा सेंडर के हैश वैल्यू से। अगर मैच हो जाती है तो मैसेज हमारा ऑथेंटिक है, नहीं तो उस मैसेज में कोई छेड़छाड़ करी गई है। आइडियल हैश फंक्शन की प्रॉपर्टीज का क्या, इजी टू कैलकुलेट हैश फॉर एनी डेटा, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं हैश किसी भी डेटा के लिए, और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है
टैक्स को कैलकुलेट करना अगर उसका हैश दिया हो तो। अगर दो डिफरेंट मैसेज हैं तो एक्सट्रीमली अनलाइकली होता है, अगर वो क्लोज वन भी होंगे फिर भी, अगर उनके हैश सेम हैश है तो भी। आगे देख लेते हैं वर्किंग क्या है सिक्योर हैश एल्गोरिथम की। तो पहला है पैडिंग। तो पैडिंग क्या करते हैं हम, पैडिंग ऐड कर देंगे मैसेज में, जो ओरिजिनल मैसेज होगा उसमें पैडिंग ऐड हो जाएगी, जिसकी लेंथ क्या होगी 64 बिट लेस देन मल्टीपल ऑफ 512, मतलब 512 के मल्टीपल में होगा, उसमें से 64 माइनस कर देंगे, वो उतनी हमारी पैडिंग ऐड हो जाएगी। दूसरा अपेंड लेंथ, जो मैसेज की लेंथ है उसको हम अपेंड कर देंगे पैडिंग के साथ भी और नहीं भी, और उसको हम अपेंड करेंगे 64 बिट ब्लॉक में। थर्ड स्टेप है डिवाइड इनटू 512 बिट ब्लॉक, मैसेज को हम 512 बिट ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे। चौथे स्टेप में हम इनिशियलाइज करेंगे चेनिंग वेरिएबल्स, इसमें हमारे 5 चेनिंग वेरिएबल आएंगे ए से लेके ई तक, जिनके साइज क्या होगा 160 बिट के होंगे, मैसेज डाइजेस्ट मतलब हर ब्लॉक 160 बिट का होगा। प्रोसेस ब्लॉक पांचवा स्टेप है, तो ये एग्जीक्यूट करेगा मेन एल्गोरिथम को प्रोसेस ब्लॉक में, जिसमें हम 512 बिट्स ब्लॉक को, जो हमारे ए से लेके ई थे, इनमें हम 512 बिट्स ब्लॉक स्टोर कर रहे थे, उनको हम हैंडल करेंगे। आगे देख लेते हैं राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या होता है, तो राउंड फंक्शन का ऑपरेशन है कंप्यूट अ न्यू वैल्यू फॉर वेरिएबल ए एंड शिफ्ट ऑल वर्किंग वेरिएबल्स वंस पर राउंड। तो ये वेरिएबल ए के लिए न्यू वैल्यू कंप्यूट करता है, एक राउंड कंप्लीट होने के बाद जितने भी वर्किंग वेरिएबल है उनको शिफ्ट कर देता है। अब वेरिएबल ए को कंप्यूट कैसे करते हैं, तो इसमें एक 5 ऑपरेंड का एडिशन मॉड्यूलो होता है, जो 2 की पावर 32 के साथ मॉड्यूलो होता है उसका। इसमें जो ऑपरेंड होगा हमारा वो इनपुट वर्ड्स पे डिपेंड करेगा, और जो राउंड होंगे वो कॉन्स्टेंट के टी पे डिपेंड करेंगे, और जो करंट मैसेज होगा वो डब्ल्यू टी से डिनोट होगा। आगे देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ एस एच ए 512। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या चीज़ें आती है, मेन हमारा दो है, एक है इनपुट, एक है एस एच ए 1 का इंजन। ठीक है, यहाँ पे इनपुट मैसेज करेंगे, यहाँ आउटपुट आ जाएगा। इनपुट में क्या क्या होता है, हमारा एक लेंथ काउंटर होता है जो लेंथ काउंट करता है मैसेज की, एक पैडिंग यूनिट होती है जो मैसेज के पीछे जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमारा मैसेज इनपुट हुआ, इनपुट के पास आएगा, उसमें हमारे पैडिंग यूनिट जुड़ जाएगी और लेंथ जुड़ जाएगी, वो हमारा एस एच ए 1 इंजन के पास जाएगा। ठीक है, एस एच ए 1 इंजन के अंदर एक हमारा राउंड ऑपरेशन होता है, वो वहाँ पर जाएगा, वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मैसेज रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर जब उस पर नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो दोबारा आएगा, और वहाँ से फॉरवर्ड होके आगे चला जाएगा राउंड रजिस्टर के पास। राउंड रजिस्टर में फिर चेक होके आगे जाएगा, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा एडिशन, और उसको आगे भेज देंगे हैश रजिस्टर के पास, जहाँ पे हैश कोड जनरेट होगा। अगर हैश कोड ठीक होगा तो हम डेटा को आउटपुट में प्रोड्यूस कर देंगे, अगर नहीं होता है तो वो घूम के दोबारा से आके चेक करेगा कि गलती कहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें कोर कंपोजिशन क्या क्या है, इसमें हमारा एस एच ए वन इंजन होता है और पैडिंग यूनिट्स होती है। एस एच ए 1 का इंजन में क्या होता है, लूप्स हम अप्लाई करते हैं सिंगल 512 बिट्स के मैसेज ब्लॉक पे, लूप चलता रहता है। फिर एक पैडिंग यूनिट होती है जो इनपुट मैसेज को स्प्लिट करती है 512 बिट्स ब्लॉक में, और पैडिंग को हैंडल करती है लास्ट ब्लॉक पे। फिर एक प्रोसेसिंग एफिशिएंसी होती है, ये क्या करती है कि जो हमारा 500 बिट ब्लॉक का एक मैसेज है वो प्रोसेस हो रहा है, तो वो 82 क्लॉक साइकिल में प्रोसेस होता है, जिसकी बिट रेट की स्पीड क्या आती है 6.24 Mbps पर मेगा हर्ट्स SHA-1 कोर इनपुट में। करेक्टरिस्टिक क्या है सिक्योर हैश फंक्शन की, पहली है एप्लीकेबिलिटी टू एनी ब्लॉक साइज, हैश फंक्शन शुड वर्क ऑन ब्लॉक्स ऑफ डेटा ऑफ एनी साइज। जो हैश फंक्शन है हमारा किसी भी ब्लॉक ऑफ डेटा पे काम कर जाता है, वो किसी भी साइज का हो। दूसरा है फिक्स्ड लेंथ आउटपुट, जो हैश फंक्शन है ये एक फिक्स लेंथ का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। दूसरा ईज ऑफ हैश कोड जनरेशन, आसानी से हम हैश कोड जनरेट कर सकते हैं किसी भी मैसेज के लिए या किसी ब्लॉक ऑफ डेटा के लिए। हैश कोड सिक्रेसी,
हैश कोड हमारा सीक्रेट सी बना के रखता है। मतलब इट शुड बी नियरली इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द ओरिजिनल मैसेज और ब्लॉक ऑफ डेटा फ्रॉम ए गिवन हैश कोड। तब जो आउटपुट में हमारा हैश कोड आएगा तो उससे हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है कि ओरिजिनल मैसेज हम पता कर पाएँ। पाँचवा, कोलिजन रेसिस्टेंस। ये हमारा कंप्यूटेशनली इनफिजिबल है कि अनदर मैसेज फाइंड करे कि वो जनरल सेम हैश कोड, मतलब दो मैसेज के सेम हैश कोड नहीं होते, तो कोलिजन होने के चांस नहीं होते। छठा है अनलाइकली हैश कोड सिमिलरिटी। कोई भी दो मैसेज अगर आइडेंटिकल भी हैं तो उनका सेम हैश कोड होगा। आगे हम देख लेते हैं डिफरेंस हैश कोड और मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड में क्या क्या डिफरेंसेस है। पहला फंक्शन टाइप की बात कर ले तो ये हमारा हैश कोड जो है वेरिएबल लेंथ का मैसेज लेता है और फिक्स्ड कोड रिटर्न कर देता है। मैक क्या करता है, वो क्रिप्टोग्राफिक चेकसम लेता है सेशन की का यूज़ करके। इनपुट्स में हैश कोड में मैनी इनपुट्स को हम दे सकते हैं, और मैसेज में हमारा मैक में क्या होता है कि एक मैसेज होता है और एक सीक्रेट की होती है बस। हैश कोड का यूज़ कहाँ पे करते हैं, इंडेक्सिंग में और आइटम्स को रिट्रीव करने में जो हम हैशिंग से यूज़ कर सकते हैं। मैक में क्या होता है, हम ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन के लिए करते हैं जो हमें डेटा रिसीव हो रहा है। लेंथ कंसिस्टेंसी में क्या होता है हैश कोड में कि वेरिएबल लेंथ का मैसेज लेता है और फिक्स्ड कोड का आउटपुट देता है। मैक में वही होता है, चेकसम के लिए यूज़ करते हैं हम जो सेशन की के यूज़ करके होता है। पर्पस क्या है हैश कोड का, डेटा इंटीग्रिटी और इंडेक्सिंग। मैक का पर्पस क्या है, प्राइमरली ऑथेंटिकेशन और डेटा इंटीग्रिटी के लिए यूज़ होता है। आगे देख लेते हैं की यूसेज क्या है हैश कोड का, इसमें कोई सीक्रेट की इन्वॉल्व नहीं होती, और मैक में क्या होती है, एक सीक्रेट की होती है जनरेशन के लिए और एक होती है वेरिफिकेशन के लिए। एग्जाम्पल एप्लीकेशन क्या है हैश कोड का, जैसे MD5 हो गया, SHA-256 हो गया। मैक का क्या है, HMAC हैश बेस मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं वीक कोलिजन रेसिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेसिस्टेंस में। इसकी प्रॉपर्टी क्या डिफाइन कर दी है, फॉर ए गिवन वैल्यू एच, किसी भी गिवन वैल्यू एच के लिए हमारे इनफिजिबल होगा कि हम वाई इज इक्वल टू एक्स फाइंड कर पाए अगर उसका हैश फंक्शन वाई का एक्स के इक्वल है तो। इनफिजिबल में क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कोलिजन में क्या कहता है, इसमें भी इनफिजिबल होता है किसी का अगर पेयर निकालना हो एक्स कोमा वाई का अगर उसका हैश फंक्शन या इक्वल है तो। एप्लीकेबिलिटी क्या है कि ये पर्टिकुलर इनपुट के लिए बाउंड होता है, अब वो हमारा अप्लाई होता है किसी भी दो आर्बिट्री इनपुट के लिए। ब्रूट फोर्स अटैक की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टू की पावर एन अटेम्प्ट लेता है वीक कोलिजन रेसिस्टेंस में ब्रेक करने के लिए। ये 2 की पावर 2n लेता है स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बर्थडे अटैक्स अगेंस्ट हैश फंक्शन। बर्थडे अटैक्स क्या होता है, बर्थडे अटैक अगेंस्ट एक हैश फंक्शन टेक्स एडवांटेज ऑफ द बर्थडे पैराडॉक्स विच स्टेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू पीपल शेयरिंग द सेम बर्थडे इज सरप्राइजिंगली हाई इन रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप। बर्थडे अटैक अगर किसी भी हैश फंक्शन के अगेंस्ट होता है तो इस चीज़ की एडवांटेज लेता है बर्थडे पैराडॉक्स की। बर्थडे पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है दो पीपल की जिनका सेम हैश कोड हो या सेम बर्थडे हो वो हाई होती है अगर एक छोटे ग्रुप में हम ढूंढ रहे हैं। अगर एक छोटा ग्रुप है उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो दो पीपल का बर्थडे सेम दिन पड़ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, तो उसको बर्थडे पैराडॉक्स बोलते हैं। अगर हैश फंक्शन के कंटेक्स्ट में बात करें तो इसमें एक 64 बिट का हैश कोड होता है, तो हैश फंक्शन जो होता है हमारा 64 बिट का हैश कोड प्रोड्यूस करता है। क्रिप्टोग्राफिक हैश कोलिजन, अटैकर्स का एम होता है कि वो दो डिफरेंट मैसेज को फाइंड करे जिनका सेम हैश कोड हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है HOM=HOF-M-। मैसेज साइनिंग, अब जो लेजिटिमेट सेंडर होगा ए वो एक मैसेज को साइन करेगा। साइन कैसे करेगा, हैश कोड को अपेंड कर देगा मैसेज के पीछे और अपने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर देगा। चौथा है मैसेज वेरिएशन, अब अटैकर्स क्या करेगा, जनरेट करेगा 2 की पावर m/2 वेरिएशन, मैसेज के वेरिएशन जनरेट करेगा वो, और उनके वेरिएशन के जो फ्रॉड मैसेज हैं वो जनरेट हो जाएंगे। आगे क्या होगा, कोलिजन सर्च, अटैकर्स क्या करेगा जो लेजिटिमेट मैसेज है और जो फ्रॉड मैसेज है इनको कंपेयर करेगा कि कोलिजन कहाँ पे आ रहा है। अब बर्थडे पैराडॉक्स क्या था कि मतलब सेम बर्थडे पड़ जाए और
इसमें बात करें हैश हैश फंक्शन में, तो जिनका सेम हैश फंक्शन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी, जिसकी वजह से कोलिजन हम ढूंढ पाएंगे। और प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 है, से ज़्यादा है तो कुछ ही अटेम्प्ट में वो ढूंढ लेगा। फिर है सिग्नेचर सब्स्टिट्यूशन। एक बार कोलिजन मिलते ही अटैकर क्या करेगा, जो फ्रॉड वाला मैसेज है वो वैलिड वन के साथ सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब उसके वो सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, तो एक जो ए जो लेजिटिमेट ए था उससे एक रिक्वेस्ट भेजेगा सिग्नेचर के लिए। अब वो सिग्नेचर करके भेज देगा तो बहुत मैसेज प्रोड्यूस हो जाएंगे सेम हैश कोड में, तो सिग्नेचर को हम चेंज कर देंगे। मैथमेटिकल बेस क्या है अटैक का, तो इसमें क्या, गिवन ए हैश फंक्शन एच विथ एन पॉसिबल आउटपुट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटलीस्ट वन इनपुट वाई सच डेट एच ऑफ वाई इक्वल्स अ स्पेसिफिक वैल्यू एच ऑफ एक्स आफ्टर अप्लाइंग एच टू के रैंडम इनपुट्स इज 0.5। तो अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी उसके हिसाब से इसका मैथमेटिकल वो देख लेते हैं एक बार, कि एक हैश फंक्शन एच है जिसमें हमारे एन पॉसिबल आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। तब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रैंडम इनपुट्स की, ठीक है। तो हमारो मान लो वाई जो है हमारा एटलीस्ट एक इनपुट निकाल रहा है, मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो उसका हैश फंक्शन होगा वाई का वो हैश फंक्शन एक्स के इक्वल आएगा जब हम उसमें एच को अप्लाई कर रहे होंगे। एच क्या है हमारा, हैश फंक्शन अप्लाई कर रहे होंगे के रैंडम इनपुट्स के लिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.5, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल से समझें तो वाई हो गया हमारा लेजिटिमेट यूज़र जो इनपुट प्रोड्यूस कर रहा है और उसका एक हैश फंक्शन एच ऑफ वाई जनरेट हो रहा है। अब जो वो होगा अटैकर होगा वो रैंडम मैसेज जनरेट कर रहा है एच ऑफ एक्स, हैश वैल्यू जनरेट कर रहा है, अब वो मैच करने की कोशिश कर रहा है एच ऑफ वाई से। अब मैच करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5। तो अब कह रहा है कि अगर सिंगल वैल्यू वाई की मैच कर रही है तो जो प्रोबेबिलिटी होगी मैच करने की वो 1/n होगी, अगर एक्स से मैच कर रहे हैं तो। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो मैच ना करे वो 1 में से माइनस हो जाएगा, 1 - n। अगर हम जनरेट कर रहे हैं के रैंडम वैल्यू वाई के लिए, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों ना हो, एच ऑफ एक्स मैच ना करे, तो ये होगा 1 - 1/n की पावर k हो जाएगा, अगर k वैल्यूज के लिए लेंगे तो, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट एक मैच कर जाए k वैल्यू से, तो 1 में से हम उसको माइनस कर देंगे, तो 1 - 1/n की पावर k हो जाएगा। अब बाइनोमियल थ्योरम हमें पता ही है क्या होती है, 1 - a की पावर k इज इक्वल टू 1 - ka प्लस k k - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल ए की पावर 2 माइनस k k - 1 k - 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल ए की क्यूब। अब हमें स्मॉल वैल्यू ऑफ ए के लिए निकालना है, तो हम 1 - k ऑफ a ले सकते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी कि एक मैच कर जाए वो इतनी होगी, 1 - 1 - 1/n की पावर k, जो हमारी सिमिलर होगी 1 - 1 - k/n के, जो इक्वल हो जाएगी k/n के। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी 0.5 के लिए निकाल रहे हैं तो k की वैल्यू क्या आएगी, n/2 आ जाएगी, मतलब हाफ हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन दैट इम्पैक्ट द सिक्योरिटी ऑफ पासवर्ड स्टोरेज कौन कौन सी है। पहली है नॉन रिवर्सिबिलिटी, वन वे फंक्शन है ये, नॉन रिवर्सिबल होता है कि मतलब एक बार उसका हैश आउटपुट जनरेट हो गया तो बहुत ही मुश्किल है कि हम उसका ओरिजिनल पासवर्ड कंस्ट्रक्ट कर पाएं। दूसरा है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में हमारा एवलेंचे इफेक्ट आता है, जिसमें क्या होता है कि चेंजिंग 1 बिट इन द इनपुट शुड ऑल्टर एट द एटलीस्ट हाफ ऑफ द बिट्स इन द हैश। अगर इनपुट में हमने 1 बिट को चेंज किया है तो हैश में कम से कम आधी बिट्स चेंज हो जाएंगी। तीसरा है डिटर्मिनिज्म, तो एक कंसिस्टेंट हैश वैल्यू जनरेट होगी गिवन पासवर्ड के लिए। चौथा है कोलिजन रेसिस्टेंस, इट शुड बी चैलेंजिंग टू फाइंड टू डिस्टिंक्ट पासवर्ड प्रोड्यूसिंग द सेम हैश। तो कोलिजन नहीं होगा क्योंकि सेम हैश जनरेट नहीं होगा डिफरेंट पासवर्ड्स के। नॉन प्रिडिक्टिबिलिटी, द हैश वैल्यू शुड नॉट बी प्रिडिक्टेबल फ्रॉम द ओरिजिनल पासवर्ड, कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैश वैल्यू क्या जनरेट होगी। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं SHA-1 एल्गोरिथम और MD5 एल्गोरिथम का। तो
पहला है मैसेज डाइजेस्ट साइज। मैसेज डाइजेस्ट का साइज क्या है? SHA-1 का 160 बिट होता है और MD-5 का 128 बिट होता है। इंडियन स्कीम क्या होती है? इसकी लिटिल इंडियन होती है, इसकी बिग इंडियन होती है। बाइट स्टोरेज स्कीम क्या है? ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स देता है एड्रेस बाइट पोजीशन में, और इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होती है लो एड्रेस लो बाइट पोजीशन में। स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या है इसका? स्लोअर होता है MD-5 से, और ये SHA-1 से फास्टर होता है। वल्नरेबिलिटीज टू अटैक्स क्या है? नोट वल्नरेबल होता है क्रिप्टोलिटिक अटैक की से, और ये वल्नरेबल है क्रिप्ट एनालिटिक अटैक से। सिक्योरिटी कंपैरिजन क्या है? ये MD-5 से ज़्यादा सिक्योर होता है हमारा SHA-1 एल्गोरिथम, और ये MD-5 एल्गोरिथम क्या है? ये लेस सिक्योर होती है SHA-1 एल्गोरिथम से। तो चलिए आगे देखते हैं। डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल स्कीम फॉर वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स। डिजिटल सिग्नेचर एक हमारी मैथमेटिकल स्कीम है जिसमें हम डिजिटल मैसेज या डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करते हैं। एल्गोरिथम यूज, कौन कौन से एल्गोरिथम यूज करता है? फर्स्ट इज की जनरेशन, सेलेक्ट ए प्राइवेट की रैंडमली फ्रॉम ए सेट जनरेटिंग करस्पॉन्डिंग पब्लिक की। तो रैंडमली एक ही प्राइवेट की को सेलेक्ट करता है और उसकी पब्लिक की जनरेट करता है। दूसरा साइनिंग एल्गोरिथम, ये सिग्नेचर प्रोड्यूस करता है मैसेज का यूज करके और प्राइवेट की का यूज करके। थर्ड इज सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम, इसमें क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा ऑथेंटिसिटी क्लेम का कि ऑथेंटिक है कि नहीं। किसके बेस पे करेगा? जो मैसेज सिग्नेचर प्रोड्यूस प्रोवाइड किया गया है और पब्लिक की उस पर लगाएगा। तो डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। ये हमारा मैसेज है प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। ये हमारा सिग्नेचर एल्गोरिथम के पास जाएगा, इस पर हम प्राइवेट की लगा के इसको साइन कर देंगे। यहाँ से हमारा एक सिग्नेचर प्रोड्यूस होगा डिजिटल सिग्नेचर। वो डिजिटल सिग्नेचर सेंडर की साइड से रिसीवर की साइड जाएगा। रिसीवर साइड में हम उसकी वैलिडेशन चेक करेंगे। वैलिडेशन चेक करने के लिए हम उसमें एक पब्लिक की लगाएंगे। पब्लिक की लगाने के बाद हम उसका डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करेंगे कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सिग्नेचर वैलिड होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। तो डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम होती क्या है? डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम DSA इज एन एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम दैट वर्क्स ऑन टू डिफरेंट की, वन पब्लिक एंड वन प्राइवेट टू प्रोड्यूस डिजिटल सिग्नेचर। DSA हमारी एक एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज़ करती है जो दो डिफरेंट कीज पर काम करेगी, एक पब्लिक होगी एक प्राइवेट होगी, जो डिजिटल सिग्नेचर प्रोड्यूस करेंगे। इसमें हम देख लेते हैं की जनरेशन। की जनरेशन में क्या क्या होता है? सेलेक्ट ए प्राइम नंबर पी ऑफ लेंथ एल बिट। तो पहले हमें क्या करना होता है? एक प्राइम नंबर पी सेलेक्ट करना होता है जिसकी लेंथ एल बिट्स की होती है। सेकंड क्या है? चूज अ 160 बिट प्राइम फैक्टर क्यू ऑफ पी माइनस वन। फिर हमें एक 160 बिट का प्राइम फैक्टर क्यू चूज करना होता है जो कि पी माइनस वन के बीच में होता है या फिर पी माइनस वन के साइज का होता है। थर्ड है कैलकुलेटिंग जी। जी निकालेंगे, जी क्या होगा? एच की पावर पी माइनस वन डिवाइड बाई क्यू मोड पी, वेयर एच क्या होगा? हमारा जनरेटर होगा। देन हम प्राइवेट की जनरेट कर रहे होंगे एक्स, और एक्स हमारा जीरो से क्यू के बीच में लाई करना चाहिए। फिर हम पब्लिक की कंप्यूट करेंगे वाई। वाई किसके इक्वल होगा? जी की पावर एक्स मोड पी के। फिर हम आगे देख लेते हैं साइनिंग का मैसेज। एम कोई भी मैसेज होगा तो उसमें साइनिंग कैसे होता है? तो उसमें पांच स्टेप से पहला है कि हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करना होता है के, जो जीरो से क्यू के बीच में लाई करना चाहिए। फिर हम आर कैलकुलेट करते हैं। आर और एस हमारे क्या सिग्नेचर है, तो एक आर सिग्नेचर जनरेट करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं। आर क्या होता है? जी की पावर के मोड पी, उसका होल मोड क्यू। फिर हम एक हैश निकालते हैं जो एच ऑफ एम होता है। एच क्या है यहाँ पे? हमारा जो मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम है। फिर हम एस निकालते हैं। एस क्या होता है? के इनवर्स एच प्लस एक्स आर मोड क्यू। और जो सिग्नेचर निकल के आएगा हम उसको ऐसे आर को मैं एस लिख देंगे। अब सिग्नेचर तो हमारा साइन हो गया, अब उसको वेरीफाई करते हैं।
अब हमें वेरीफाई करना है सिग्नेचर आर कोमा एस मैसेज एम के लिए। तो पहले हम वेरीफाई करेंगे जो आर और एस है ये 0 से लेके क्यू के बीच में लाई करने चाहिए। दूसरा है कि हम डब्ल्यू निकालेंगे, वो क्या होगा एस इनवर्स मोड क्यू के इक्वल होगा। फिर हम एक यू वन निकालेंगे जो क्या होगा एच इन टू डब्ल्यू मोड क्यू। यू टू क्या होगा आर डब्ल्यू मोड क्यू। फिर हम वी निकालेंगे, वी क्या होगा जी की पावर यू वन इंटू वाई की पावर यू टू मोड पी और इसका होल मोड क्यू। अब लास्ट में हम चेक कर लेंगे अगर वी इक्वल्स टू आर आ रहा है तो सिग्नेचर वैलिड होगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। आगे देख लेते हैं हम इलगमल डिजिटल सिग्नेचर टेक्निक। तो ये क्या होती है इलगमल और भी देख लेते हैं पहले। तो पब्लिक की एल्गोरिथम फॉर बोथ सिग्नेचर्स एंड इंक्रिप्शन। इसमें हम पब्लिक की एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं सिग्नेचर के लिए और इंक्रिप्शन के लिए दोनों के लिए। सिक्योरिटी किस पे बेस होती है डिस्क्रीट लॉगरिथमिक डिफिकल्टीज पे बेस होती है। की जनरेशन में इसमें भी सेम है कि हमें एक प्राइम नंबर सेलेक्ट करना है पी एंड जी और एक्स जो पी से छोटे होने चाहिए। फिर हमें वाई कंप्यूट करना है जो क्या होगा जी की पावर एक्स मोड पी के इक्वल होगा। फिर पब्लिक की निकालेंगे वाई जी और पी, प्राइवेट की कौन सी होगी एक्स होगी। थर्ड इसमें हम इंक्रिप्शन करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे मैसेज एम को। तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे के जो कि प्राइम होगा पी माइनस वन के। फिर हम ए कंप्यूट करेंगे जो होगा जी की पावर के मोड पी के और बी निकालेंगे जो होगा वाई की पावर के मोड एम मोड पी के। फिर हम एक साइफर टेक्स्ट निकालेंगे, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए कोमा बी, ये एम साइज का डबल आएगा। इनक्रिप्शन हो गया, अब हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे। तो डिक्रिप्ट करके हमें एम फाइंड करना है, मैसेज एम फाइंड करना है। तो हम एम के लिए लिखेंगे बी इंटू एक इनवर्स में माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स और इसका होल मोड पी कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे इलगामल इनक्रिप्शन सिस्टम। इसमें क्या है एसीमेट्रिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम बेस्ड ऑन डिफी हेलमैन की एग्रीमेंट। एक एक तरह का एसीमेट्रिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है जो डिफी हेलमैन की एग्रीमेंट पे बेस्ड है। यूज होता है पीजीपी में और वेरियस क्रिप्टो सिस्टम में। सिक्योरिटीज की रिलाई करती है डिस्क्रीट एल्गोरिथमिक की कंप्यूटिंग पे डिफिकल्टी पे जो कि हमारा साइक्लिक ग्रुप जी में आता है। अब कॉम्पोनेंट्स क्या है इलगामल इंक्रिप्शन के, पहला है की जनरेटर, फिर है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, फिर है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। अब हम देख लेते हैं साइनिंग, साइनिंग कैसे होता है। साइनिंग एल्गोरिथम हमारी यूज होती है सिग्नेचर प्रोड्यूस करने के लिए प्राइवेट की का मैसेज, प्राइवेट की का यूज करके। इसमें क्या होता है पहले हम रैंडम के जनरेट कर रहे होते हैं जो के होगा हमारा 0 से क्यू के बीच में लाई करना चाहिए। फिर हम आर कैलकुलेट करते हैं, आर कैसे आएगा जी की पावर के मोड पी और उसका मोड कर देते हैं क्यू के साथ। फिर एस निकालते हैं, एस क्या होता है एच इनवर्स ब्रैकेट में एच ऑफ एम प्लस एक्स की मल्टीप्लाई आर से कर देंगे और इसका होल मोड क्यू निकाल लेंगे। पी और क्यू हमारे यहाँ पे क्या है प्राइम्स हैं और एक्स हमारा एक रैंडम नंबर है। और रिकैलकुलेट करेंगे अगर ज़रूरी पड़ा तो, अगर आर जीरो हो जाए या फिर एस जीरो हो जाए तो हम दोबारा से रिकैलकुलेट करेंगे। अब फाइनल सिग्नेचर आ जाएगा हमारा, उसको हम आर को मैच करके लिख देंगे, आर एस हमारी सीक्रेट की हो जाएंगी। आगे देखते हैं वेरीफाइंग। तो वेरीफाइंग एल्गोरिथम इज यूज टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ मैसेज क्लेम टू ऑथेंटिसिटी। वेरीफाइंग एल्गोरिथम में क्या करते हैं मैसेज को इसमें एक्सेप्ट करता है रिजेक्ट करता है किसके बेस पे ऑथेंटिसिटी के बेस पे, मैसेज हमारा ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो पहला स्टेप क्या था कि रिजेक्ट कर दो अगर कंडीशन नहीं मिल रही तो। अगर जो आर डैश है 0 से क्यू के बीच में लाई नहीं कर रहा या फिर एस डैश है वो 0 से क्यू के बीच में लाई नहीं कर रहा तो रिजेक्ट कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो डब्ल्यू कैलकुलेट करो जो कैसे निकलेगा एस डैश का इनवर्स मोड क्यू। फिर यू वन कैलकुलेट करो जो कैसे आएगा एच ऑफ एम की मल्टीप्लाई डब्ल्यू से करेंगे और उसका मोड क्यू निकालेंगे। फिर यू टू कैलकुलेट करेंगे, यू टू क्या होगा आर डैश डब्ल्यू मल्टीप्लाई डब्ल्यू से और उसका मोड क्यू कर देंगे। फिर हम वी कैलकुलेट करेंगे, वी कैसे निकलेगा जी की पावर यू वन की मल्टीप्लाई वाई की पावर यू टू से करके इसका मोड करेंगे पी के साथ और पूरे का मोड कर देंगे मोड क्यू। एच ऑफ एम क्या है हमारा एस एच वन का हैश है, मतलब हैश फंक्शन एम का। फिर हम वैलिडिटी चेक करेंगे,
सिग्नेचर हमारा वैलिड होगा तो वी हमारा आर डैश के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वी की वैल्यू क्या होगी हमारी, जी की पावर एच ऑफ एम डैश की मल्टीप्लाई डब्ल्यू से मोड क्यू इंटू वाई की पावर आर डैश डब्ल्यू, उसका मोड क्यू कर रहे होंगे हम। अब पूरे का मोड पी हो रहा होगा डिवाइड बाय मोड क्यू, एम डैश आर डैश और एस डैश हमारे रिसीव्ड वर्जन होंगे एम आर और एस के, कि हाँ हमें ये मैसेज रिसीव हो गया। आगे देख लेते हैं हम प्रॉपर्टीज क्या डिजिटल सिग्नेचर की। पहले ऑथर वेरिफिकेशन, तो सिग्नेचर होगा वो ऑथर की आइडेंटिटी को पहले वेरीफाई करेगा। दूसरा टाइम स्टैम्प और डेटा वेरिफिकेशन, इसमें हमारा टाइम स्टैम्प भी इंक्लूड होगा जिसमें डेट और टाइम का वेरिफिकेशन होगा। तीसरा कंटेंट ऑथेंटिकेशन, इसमें हम कंटेंट को ऑथेंटिकेट करेंगे कि जो मैसेज है किस टाइम पे भेजा गया है सिग्नेचर के बेस पे। चौथा है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, इसमें एक थर्ड पार्टी चाहिए जिस पे हम ट्रस्ट कर सके वेरिफिकेशन के लिए अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो। आगे देख लेते हैं हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर ए डिजिटल सिग्नेचर, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। पहला है बिट पैटर्न फॉर्म, द सिग्नेचर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ बिट पैटर्न रिलेटिव टू द मैसेज। सिग्नेचर पहली बात तो हमारा बिट पैटर्न में होना चाहिए, बिट्स में होना चाहिए। दूसरा यूनिकनेस टू सेंडर, कि सेंडर यूनिक होना चाहिए, शुड कंटेन यूनिक इन्फॉर्मेशन टू प्रिवेंट फॉर्जरी एंड डिनायल, कि जो सेंडर इन्फॉर्मेशन भेज रहा है वो यूनिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा ईज ऑफ यूज़, आसान है यूज़ करना, मतलब क्रिएट करना, रिकॉग्नाइज करना, वेरीफाई करना बहुत ही आसान है। चौथा है कंप्यूटेशनली एफर्ट, हाई कंप्यूटेशनल एफर्ट की जरूरत पड़ती है डिजिटल सिग्नेचर अगर फॉर्ज करना है तो। पांचवा स्टोरेज मैकेनिज्म, अगर अ कॉपी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर मस्ट बी रिटेन्ड इन स्टोरेज, कि एक डिजिटल सिग्नेचर की कॉपी हम स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं। आगे देख लेते हैं वेरिएंट्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर के, वेरिएंट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारा टाइम स्टैम्प्ड सिग्नेचर, इसका पर्पस होता है कि जो रीप्ले अटैक से बचा के रखना, इसमें टाइम स्टैम्प इंक्लूड हो जाता है। दूसरा है ब्लाइंड सिग्नेचर, इसका पर्पस होता है मैसेज को हाइड, मैसेज के कंटेंट को हाइड करना साइनर से। इसका कंटेक्स्ट में क्या है कि ये हम यूज करते हैं जब मैसेज ऑथर्स कर रहा, ऑथर्स की तरफ से मैसेज आ रहा हो और साइनर्स डिफरेंट पार्टीज हो, मतलब जो मैसेज भेज रहा है वो अलग हो और जो साइन वेरीफाई कर रहा है वो अलग पार्टी का हो। इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि इसमें हम पब्लिक की स्कीम का यूज करते हैं, जैसे RSA का यूज कर लिया या DSS का यूज कर लेंगे। तीसरा है अनडिनाइबल डिजिटल सिग्नेचर, तो इसकी क्या है, नॉन सेल्फ ऑथेंटिकेटिंग स्कीम है ये। एक कंपोनेंट्स क्या है इसमें, साइनिंग एल्गोरिथम, इसमें मैसेज को साइन करते हैं। फिर वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल, इसमें यूजर्स पे लिमिट लगा देता है कि कौन वेरीफाई करेगा, सभी वेरीफाई नहीं करेंगे। फिर डिसेबल प्रोटोकॉल, ये साइनर्स को प्रिवेंट करता है कि वो सिग्नेचर की वैलिडिटी प्रूव करे या इनवैलिडिटी बताए बिना कॉपरेशन के। आगे देख लेते हैं प्रूफ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम का प्रूफ क्या है। तो प्रूफ करना है एल्गोरिथम को, तो हमने मान लिया वी इक्वल टू S1, ठीक है, हमने वी लेट कर लिया कि ई कोमा एच ऑफ एम इंटू डब्ल्यू है, इसका मोड पी मोड क्यू कर रहे हैं। फिर हम डब्ल्यू को एक्सप्रेस करेंगे S1 का इनवर्स मोड क्यू, और S2 को हम करेंगे के 1/ में एच ऑफ एम प्लस DS1 का मोड क्यू। तो यहाँ पे वी क्या हो जाएगा हमारा, ई बाय एच ऑफ एम S1 इनवर्स, क्योंकि इससे चेंज कर दिया W को हमने, मोड मोड G मोड P। ठीक, अब इसका बाहर मोड हो रहा होगा मोड Q, इसको हमने सिंपलीफाई करके फिर ऐसे लिख दिया V इक्वल टू E एच ऑफ एम प्लस DS1, इसका मोड हो रहा है P के साथ और पूरे का मोड हो रहा है मोड Q के साथ। अब इनमें इसको S1 से कंपेयर किया, S1 में क्या हमारा E कॉमा M प्लस DS1 मोड पी मोड क्यू। अब W की जगह सब्सिट्यूट कर देंगे और S2 की जगह, तो B इज इक्वल टू S1 आ जाएगा। तो ये हमारा वेरीफाई करता है कि हाँ इस एल्गोरिथम को। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 मार्क्स में बर्थडे अटैक्स हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन रोल ऑफ कंप्रेशन फंक्शन इन हैश फंक्शन ये भी हम पढ़ चुके हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है गुड हैश फंक्शन ये भी पढ़ चुके हैं, GCD ऑफ दिस ये भी हम देख चुके हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप देख लेना, ये है थोड़े से क्वेश्चन जो प्रीवियस 2 सालों में आए हुए हैं।
थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू।